मैच का रूल सुना रहा हूँ। दोनों ही टीमें काफी बैलेंस्ड टीम बहुत ही रोमांचक मैच होने की उम्मीद। दोनों टीमें बहुत ही संतुलित और बैलेंस्ड हैं। देखते हैं दोनों टीमें कैसा खेल दिखाती हैं और किसको देखता है। इस बीच होटल वासु की तरफ से रेड करते हुए होगा काफी सुभाष बांगड़ा पर पॉइंट प्ले किया जिसे एक्सेप्ट किया। अच्छे स्पोर्ट्स फील्ड के लिए यहाँ पर खिलाड़ी है। इस बीच में बार फिर से होटल वासु की जगह टीम नंबर की जैसे राकेश कार्तिक पॉइंट प्ले किया है और अच्छी खेल भावना का परिचय देते हुए अपना हाथ उठाया और कबूल किया। नंबर छह की जैसे खिलाड़ी खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया। यहाँ होटल वासु के खाते में 33 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी लगातार रनिंग करते हुए अच्छी गेंद का अच्छी गेंद की स्किल्स का परिचय दे रहा है। 15 नंबर की जर्सी में प्रशांत ने टेकर करने के लिए ऐसा भी कोशिश की और ये वो रन को होटल में यहाँ होटल वासु के टीम ने लगभग 6 जर्सी के खिलाड़ी काफी अच्छे वर्गन बोनस का भी काफी प्रयास किया। बोनस का यह रूल होता है कि एक पैर ब्लॉक रूल के पार होना चाहिए, दूसरा पैर हवा में होना चाहिए, तब बोनस का मेडल होता है। एक बार फिर 31 नंबर के जैसे में खिलाड़ी रविंद्र हुए काफी तेज होते हैं यहाँ पर खेलते हुए। शानदार
खिलाड़ियों ने बोनस जरूर लिया, लेकिन इसी के साथ होते गाना पानी की टीम पहले आपने पहली बार अलाउड हुई लगातार लेकिन इस बार का कोई असर नहीं, चश्मे खाते हुए दोनों तरफ के खिलाड़ी उस मैच को तीस नंबर की जैसे एक बार फिर से होटल वासु के खिलाड़ी लगातार लेकिन में अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखते हैं इस बार आते हैं दूसरे नंबर के जर्सी के खिलाड़ी, देखते हैं क्या गोल खिलाते हैं, क्या कुछ बताते हैं। और राइट कॉर्नर के हैंडटच करते हुए इस बीच इस नंबर के खिलाड़ी एक बार फिर लगातार लगन करते हैं। काफी अच्छी है लेकिन मेले में इस बार झूलों की व्यवस्था भी है, तो आए हुए दर्शकों से भागियों से निवेदन करूंगा कि वो झूलों के तरफ जरूर पहुंचे। अपने कर्मों को उठाए हुए ¡Gracias!
ग्राउंड के अंदर जो एक्स्ट्रा दर्शक बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जो रस्सी बांधी गई है उससे बाहर निकल सकते हैं। ग्राउंड के अंदर जो एक्स्ट्रा दर्शक बैठे हैं प्लीज आपसे निवेदन है कि आप रस्सी के बाहर निकल सकते हैं। अभी तक अच्छी अपने टीम को Yeah.
होटल वासु की तरफ से आठ नंबर की जो सीन है हेमंत देते हैं, हेमंत कैसी रेडिंग का पीछे देते हैं। लगातार काफी तेज खेल भी यहाँ पे खेली जा रही है। खेल कबड्डी एक कटोरा और हाई फाइव के साथ विश्वास दिखाया। इस बीच छह नंबर की जैसे में मैच खेल रहे हैं, एक बार बात मुड़ जाओ। लगातार अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, देखते हैं इस बार क्या कुछ कर सकते हैं। कोर्ट से बाहर एक और अंक का इजाफा यहाँ होटल वासु। विकास तो इस नंबर के जैसे में एक बार फिर से अपनी टीम के लिए अंक बताने का पूरा प्रयास यहाँ विकास कर रहे हैं। विकास को तरफ देने का पूरा दारोमदार, उनको रेडिंग पर उनका पूरा दारोमदार लगातार रेडिंग कर रहे हैं और अपनी से एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाए भी है। दो सौ नंबर की जैसे में होटल खाना पाने की टीम के खिलाड़ी एक अच्छी कबड्डी दोनों ही टीमों के द्वारा यहाँ कर रहे हैं। एक बार फिर इस बार बारह नंबर की जैसे में सुभाष पांगड़वा लोगों को क्लोज किया, टाइम स्पेंड करते हुए और कैप्टन रोल के साथ वापस अपने पाले में एक बार फिर फैसला नंबर की जैसे के खिलाड़ी रनिंग हैंड कैच करना चाह रहे थे। विकास सुबह में लगातार टीम की कमान को संभाले हुए हैं। दो सौ नंबर की जर्सी अच्छा पुश किया और कोर्ट से बाहर कर दिया। बोल टाइट है एक कार्ड है फाइनल है बाद में छह नंबर के जैसे के खिलाड़ी होटल खाना पाने की तरफ से एक बार फिर रनिंग के लिए वो भी अंक क्रॉस किया और राइट के अंदर की तरफ अटैक कर रहे हैं। इतने रनिंग है जेट करने की कोशिश लेकिन खिलाड़ी काफी तेज अभी छोटे बच्चे थोड़ा देखते हैं छोटा तीन हाल कर छह नंबर की जैसे में खिलाड़ी Thank you.
जैसे जैसे में खिलाड़ी के लिए एक बार फिर रेड करने के लिए आए हैं। सामने गोल पर दो रन वाली है, अगर टच पॉइंट लेकर जाते हैं तो इतने फायदे एक बार फिर होटल वासु टीम की तरफ से 29 नंबर के जर्सी में विकास रेडी कर गए हैं। उनकी टीम को उनसे काफी उम्मीदें हैं, देखते हैं उनकी टीम की उम्मीदों पर कितना खराब हो जाती है। लगातार अच्छी रेडी मिल रही है। खिलाड़ी होटल राणा पानी टीम की तरफ से इन्होंने भी लगातार अच्छी रेडिंग की है। देखते हैं होटल वासु टीम के खिलाड़ी इनसे कैसे पार पाते हैं। अगर होटल वासु टीम को जीतना है तो उनको डिफेंस के साथ साथ रेडिंग का भी अच्छा काम दिखाना होगा। और यदि होटल राणा पानी टीम इस मैच को जीतना चाहती है तो उन्हें काफी अच्छे डिफेंस का परिचय यहाँ पर दिया है होटल राणा पानी टीम ने। उनकी लगातार वासु की तरफ से 8 नंबर की जर्सी में इस बार ये ब्लू एंड वाइट रेड में रेडी को निश्चित रूप से कोई ना कोई अंक बटोरना होता है, अंक लेकर जाना होता है। अगर वो खाली हाथ लौटता है तो आउट कराई दे दिया जाता है। और रेडिंग भी बहुत अच्छा कर रही है यहाँ पर होटल राणा पानी की टीम। कबड्डी का जो खेल है इस खेल के बदलते वक्त नहीं लगता, जिस पर आपने होटल वासु की टीम काफी चढ़कर खेल रही थी, ठीक उसी तरीके से इस बीच एक बार फिर 200 नंबर के जर्सी में होटल राणा पानी की टीम से काफी तेज और काफी चुस्त कबड्डी का परिचय यहाँ पर दे रहे हैं। देखते हैं विकास की अगुवाई में ये टीम कहाँ तक बराबरी कर पाती है।
विकास लगातार रनिंग के विकास कहां तक इस बार विकास ने डिफेंस में बहुत अच्छा खेल दिखाया, डिफेंस में अच्छा खेल दिखाया, लेकिन हेडिंग में भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा। अपनी टीम के लिए कुछ पॉइंट लाने पड़ेंगे तब जाकर टीम बनी रह पाएगी। धारण कर दियो, हाँ वो मैच खेले तो धारण कर दियो देखते नहीं होता है किस तरीके से अपनी टीम के लिए काम करते हैं। एमपी रेड के साथ वो मैच खेला बाद में उनका प्रयास ये है कि सामने वाले खिलाड़ी को अपने ही गोल में पहुंचा है, लेकिन सामने वाली टीम भी उसी प्रयास में होगी कि वो लगातार टाइम निकालते रहे स्पेयर बनाएंगे। दूसरी बात पॉइंट ले लास्ट रेड है।